नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मरुधर यात्री व्लॉग पर। मैं इस वक्त हूँ दानेरी स्थित मामा जी के मंदिर। मैं आपको दानेरी स्थित मामा जी के मंदिर का संपूर्ण इतिहास बताऊंगा। ये जो पहाड़ पर आप देख रहे हैं, ये मामा जी का मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त आया हूँ दानेरा स्थित मामा जी के मंदिर। मैं आपको मामा जी के मंदिर के दर्शन करूँगा। ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे पहाड़ के ऊपर, वो मामा जी का मंदिर है दानेरा। आइए मेरे साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए। दानेरी मामा जी का मंदिर दो भाइयों के ऊपर बना हुआ है। दो सगे भाई थे जिन्होंने युद्ध में अपने प्राण गंवा दिए थे, उनके ऊपर बना हुआ मंदिर है ये। ये भाद्राजून से आने वाली सड़क है जो सीधा आगे दोमड़ा माता जी मंदिर जाती है, और यहीं पर बीच में आपको मिलेंगे दानेरा मामा जी। आइए मैं आप सबको दर्शन करवाता हूँ श्री दानेरा मामा जी महाराज के। दोस्तों, 370 साल पहले मारवाड़ के राजा राव जोधा जी के भाई मंडला जी और उनकी फौज के साथ इन लोगों का युद्ध हुआ था, और इन लोगों ने लड़ाई के दौरान अपने प्राण त्याग दिए थे, जिनके शीश कट गए थे और धड़ लड़ रहे थे। ये यहाँ पर दौल जी और गोग जी मामा जी का मंदिर है। ये यहाँ पर दोनों भाइयों की मूर्तियाँ लगी हुई है। इसके अंदर दोनों घोड़े पे सवार है। आइए चलते हैं मंदिर के ऊपर। ये यहाँ पर छोटे भाई का मंदिर है, ये दौल जी का। और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर दानेरी गांव के अंदर बड़े भाई गोग जी का मंदिर है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, वो सामने मुख्य मंदिर बना हुआ है। आप जो झाड़ियों पर ये लाल कपड़े देख रहे हैं, ये यहाँ जो भोपो जी रहते हैं मंदिर के पुजारी, मुख्य पुजारी जिन्हें कहते हैं, उनके साफे हैं, जो जिनको पगड़ी कहा जाता है। तो जब भी वो पुरानी पगड़ी यहाँ पर छोड़ते हैं मंदिर में और नई पगड़ी बांधते हैं, तो वो यहाँ पर पुरानी पगड़ी को छोड़ देते हैं। ये सामने झाड़ के ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी ये सारी पगड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर मामा जी के काफ़ी सारे मंदिर है, जिनके जो पुजारी होते हैं वो लाल कलर के साफे बांधते हैं पगड़ी। सामने मामा जी का मुख्य मंदिर है। जब युद्ध हुआ था तब जहाँ पर इनके धड़ गिरे थे वहीं पर ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर छोटे भाई का धड़ गिरा था, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर दानेरी गांव के अंदर बड़े भाई का धड़ गिरा था, तो वहाँ पर उनका मंदिर है। यहाँ मामा जी के मंदिर में मुख्य रूप से ज़्यादातर जो पुजारी है वो देवसी समाज के लोग हैं। ज़्यादा संख्या में देवसी समाज के लोग ही यहाँ इन मंदिरों में पुजारी होते हैं। राजस्थान के बारे में ये कहा जाता है कि ये 52 वीरों की धरती है। उन 52 वीरों में भी इन दोनों भाइयों को सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि कहा गया है, जिन्होंने मारवाड़ के राजा से युद्ध करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे। पहाड़ के ऊपर बना हुआ खूबसूरत और बहुत ही भव्य मंदिर है। ये यहाँ घोड़ों पर सवार दोनों भाइयों की प्रतिमा है। ये यहाँ पर धूनी बनी हुई है। ये दोनों भाई सुभद्रा माता के परम भक्त थे, और ये यहाँ
पास में ही सुभद्रा माता का मंदिर बना हुआ है, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ मंदिर है, काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। मामा जी के मंदिर की कथा काफ़ी प्रसिद्ध है। जब मारवाड़ के राजा ने इन लोगों को बुलाया था तो ये जब मिलने के लिए गए थे तो वापस आते समय वहाँ से ये 700 ऊंट लेकर यहाँ पर आ गए थे, और फिर राजा की सेना को इनके पीछे यहाँ पर आना पड़ा और इन लोगों के बीच ज़बरदस्त युद्ध हुआ। उस युद्ध में इन लोगों ने यहाँ पर प्राण त्याग दिए थे और यहीं पर इनके मंदिर बने हुए हैं। काफ़ी लोकप्रिय मंदिर है। आप जब भी दोमड़ा माताजी मंदिर की ओर जाएंगे भादरा जून से होते हुए तो यहाँ पर दर्शन ज़रूर करें। ये बीच रास्ते में ही दानेरी मंदिर पड़ता है, काफ़ी लोकप्रिय जगह है यहाँ की। दोनों भाइयों की यहाँ पर साथ में पूजा होती है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कृपया करके मेरे चैनल मरुधर यात्री व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद आप सबका। मिलता हूँ आगे एक और नई जगह के साथ, तब तक के लिए बने रहें।